भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक देश भारत का हर वयस्क नागरिक हर 5 साल में अपना मत देकर न सिर्फ अपनी पसंद की सरकार चुनता है, बल्कि साल दर साल लोकतंत्र में उसका और जनता का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। ये भरोसा इतना बड़ा है कि हमारे देश में चुनावों के बाद राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होता है। सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, सभी प्रतिकूल चुनावी फैसले को स्वीकार करते हैं। बीते 17 आम चुनावों के बाद हमारा लोकतंत्र और ज्यादा परिपक्व हुआ है। 2024 के आम चुनाव में अब देश 18वीं लोकसभा के गठन की तैयारी कर रहा है। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम स्टेट स्कैन के जरिए हम आपको देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संसदीय क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी देंगे। इसी श्रृंखला में आज बात हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश की। हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश 1971 में भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल के पास जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत की सीमाएं लगती हैं। हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। पर्यटन के लिहाज से हिमाचल प्रदेश बेहद खूबसूरत है। डलहौजी, चंबा घाटी, धर्मशाला, कुफरी, शिमला, मनाली और कसौली यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जो प्रदेश की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 75 लाख से ऊपर है। प्रदेश में 12 जिले हैं। यहाँ लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। कुल 68 विधानसभा सीटों में से सामान्य के लिए 48, अनुसूचित जाति के लिए 17 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। इनमें कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। हिमाचल प्रदेश में इस बार लोकसभा की 4 सीटों के साथ ही विधानसभा की 6 सीटों के लिए भी उपचुनाव हो रहा है। पंद्रह मार्च 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 56,38,422 है। इनमें 28,79,200 पुरुष मतदाता और 27,59,187 महिला मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में थर्ड जेंडर के सिर्फ 35 मतदाता हैं। हिमाचल प्रदेश में 2019 में मतदाताओं की संख्या 53,30,154 थी, जो 2024 में बढ़कर 56,38,422 हो गई। यानी बीते 5 वर्षों में मतदाताओं की संख्या में 5.78% का इजाफा हुआ है।
15 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 1,38,918 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। इनमें 75,001 पुरुष और 63,916 महिला युवा मतदाता हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश में इस बार 7,990 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में मतदान प्रतिशत में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान जहां 64.45% मतदाताओं ने वोट डाले थे, वहीं 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 72.42% हो गया। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र सामान्य श्रेणी की संसदीय सीट है। इसमें चंबा और कांगड़ा जिले का हिस्सा शामिल है। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की साक्षरता दर 73.05% है। इस सीट पर 93.8% ग्रामीण मतदाता हैं, जबकि लगभग 6.2% शहरी मतदाता हैं। ।2017 विधानसभा चुनाव में कांगड़ा संसदीय सीट पर 73.8% मतदान हुआ था। मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में से एक है। सामान्य श्रेणी की इस संसदीय सीट में पूरा किन्नौर, कुल्लू और लाहौल और स्पीति जिला और साथ ही चंबा, मंडी और शिमला जिले का हिस्सा शामिल है। ।2011 की जनगणना के अनुसार मंडी संसदीय सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 93.1% है, जबकि शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 6.9% है। 2019 के आम चुनाव में मंडी संसदीय सीट पर 72.6% मतदान हुआ था। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र सामान्य श्रेणी की संसदीय सीट है। इसमें पूरा बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना जिला और कांगड़ा शामिल हैं। हमीरपुर संसदीय सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 93.7% है, जबकि शहरी मतदाता सिर्फ 6.3% हैं। 2019 के आम चुनाव के दौरान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 71.4% मतदान हुआ था। शिमला लोकसभा क्षेत्र एससी श्रेणी के लिए आरक्षित सीट है। इस संसदीय सीट में पूरा सिरमौर और सोलन जिला साथ ही शिमला जिले का हिस्सा शामिल है। शिमला संसदीय सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 82.9% है, वहीं शहरी मतदाता लगभग 17.1% हैं। 2019 के आम चुनाव में शिमला संसदीय सीट पर 72.1% मतदान हुआ था। उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और मतदान का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी।